एक व्यूवर ने पूछा है कि आप टेलीविजन देखते हैं, टीवी देखते हैं या नहीं? अगर देखते हैं तो आप उसमें क्या देखते हैं, और अगर नहीं देखते हैं तो क्यों नहीं देखते हैं? सवाल बड़ा वाजिब है। आज के समय में थोड़ी सी चर्चा इस पे हो जाए तो अच्छा रहेगा। पिछले 7 साल से हमारे घर में कोई टीवी नहीं दिखता। पिछले 7 साल से हमारा टीवी रखा रखा खराब हो गया। जो हमारा केबल था वो भी ऐसा कैसा धूल चाट रहा है, और हमने उस डब्बे को पैक करके उठा के रख दिया। अब हम टीवी क्यों नहीं देखते और पहले क्यों देखते थे? आप अगर ध्यान दें तो टीवी की जो शुरुआत है भारत के अंदर टेलीविजन की, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से स्टार्ट हुई थी, जो दूरदर्शन प्रोग्राम देता था। दूरदर्शन के सिग्नल कभी आते थे कभी नहीं आते थे। दूर दराज में, दिल्ली में तो साफ आते थे। बहुत देर में जाके टीवी ऑन होता था, गर्म होता था। उसमें कैथोड रेडिएज वाली एक ट्यूब होती थी जो चार्ज होती थी, और बिजली भी वो पूरी 220 वाट की और 300 वाट की खाता था। पूरा कमरा गर्म हो जाता था, और उसका देखने का अपना ही मज़ा था। पूरा परिवार सारा इकट्ठा होता था। तब सारा का सारा जो कंटेंट उसमें आता था, जो उसमें चीज़ें आती थी, वो सारी की सारी सरकार द्वारा संचालित होती थी। उसमें जो समाचार आते थे, समाचार में सिर्फ समाचार का सार आता था, उसमें कहीं खुल के समाचार नहीं आता था। और समाचार जो आते थे वो बहुत शालीन तरीके से, हमें याद है अभी भी, जैसे सलमा जी आती थी और भी कई लोग आते थे, वो सारे के सारे बहुत शालीन तरीके से समाचार बताते थे। और पूरा समाचार सुनने के बाद में आपके शरीर में कहीं भी ना गर्मी आएगी ना आपका शरीर ठंडा पड़ेगा, यानी वो बैलेंस न्यूज होती थी। खबर भी आ गई और असर भी नहीं करती थी। कोई खबर अगर ऐसी होती थी दंगे फसाद की, तो वो कभी सीधे नाम नहीं लेते थे। दो समुदाय बोलते थे या तीन समुदाय, एक समुदाय वहाँ झगड़ा हुआ अब शांति है, ऐसा करके बोला जाता था। तो उससे ये तो पता चल जाता था कि वहाँ झगड़ा हुआ है, मगर झगड़े का असर नहीं आता था। यानी घर के अंदर जैसे लोग होते थे वैसे रहते थे, पूरा मोहल्ला शांत, पूरा घर शांत, पूरा एरिया शांत। जहाँ जहाँ भी वो न्यूज़ जाती थी वहाँ पूरी शांति देश के अंदर और स्टेट के अंदर, जिले के अंदर, मोहल्ले के अंदर बनी रहती थी। जो दूसरे प्रोग्राम आते थे वो इन्फॉर्मेटिव आते थे। जैसे कृषि दर्शन आता था, तो कृषि दर्शन कृषि के बारे में बताता था, खेती क्या करनी है, बहुत आराम से। बच्चों के क्विज आते थे, एक सरदार जी लेके आते थे, वो क्विज बहुत आराम से बताए जाते थे, बड़े ध्यान से लोग उसे देखते थे। एक चित्रहार आता था जिसके लिए मारामारी होती थी, और लोग अपना खाना पीना छोड़ कर जाते थे, गिनती के 7-8 गाने, और वो सबको याद हो जाते थे, बड़े मस्त गाने होते थे। एक पिक्चर आती थी, अगर लाइट आ गई तो पिक्चर मिल गई, अदरवाइज नहीं मिली। तो ये छोटे मोटे कार्यक्रम, या कभी कोई ओलंपिक हुआ या कुछ हुआ तो कुछ आ गया, कभी कभार एक इंग्लिश का छोटा कार्टून वार्टून ऐसे आते थे। कुल मिला के ये दूरदर्शन हुआ करता था। और उस दूरदर्शन में, पूरा दूरदर्शन देखने के बाद भी आपके मन में कहीं कड़वाहट नहीं आती थी, ना ही आपके सर में दर्द होता था, ना ही आपको बेचैनी महसूस होती थी। वो दूरदर्शन आप, अगर आपने देखा हो या अगर ना देखा हो तो आप नेट पे एक बार चेक कर लें, वो दूरदर्शन सारा ऑथेंटिक और वो ठीक होता था। उसके बाद में फिर उसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर आने लगे, जैसे सबसे पहले आया आज तक। तो जो आज तक आया था वो, और आज तक से पहले आया था आंखों देखी। आंखों देखी एक महिला प्रेजेंट करती थी, उसके बाद में उसमें आज तक आधा घंटा आने लगा। आज तक की जो न्यूज़ आती थी वो थोड़ी सी गर्म न्यूज़ आती थी, लोगों को बड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि वो न्यूज़ अलग अलग जगह से एनालिसिस करके मेहनत करके आती थी, और वो न्यूज़ आधा घंटे की लोग सुनते थे। दूरदर्शन की न्यूज़ को लोगों ने सुनना कम कर दिया, मगर लोगों को ये पता नहीं चला कि ये जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा चटपटी बना के दी जा रही हैं या गर्म करके दी जा रही हैं, ये असर क्या कर रही है हमारे अंदर। वो असर लोगों को समझ में नहीं आया, न्यूज़ अच्छी लगी, चटपटी लगी। उस ट्रेंड को आगे बढ़ाते 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 टीवी रंगीन हो गया और चैनल बहुत सारे हो गए। न्यूज़ बाहर से भी आने लगी, विदेशों से भी, और यहाँ से भी आने लगी सैटेलाइट के थ्रू। चैनल लगभग सारे प्राइवेट हो गए। चैनल प्राइवेट होने के बाद में उसमें अत्यधिक तो म्यूजिक आने लगा, अत्यधिक उसमें बहुत ज़्यादा उसमें गाने आने लगे, बहुत ज़्यादा फिल्में आने लगी, बहुत ज़्यादा 24 घंटे उसमें न्यूज़। 24 घंटे न्यूज़ कभी क्रिएट नहीं हो सकती, 24 घंटे रिपीटेशन चलता है। फिर उसमें एडवर्टाइजमेंट आने लगे, न्यूज़ के अंदर पहले एडवर्टाइजमेंट नहीं आते थे, फिर न्यूज़ के अंदर एडवर्टाइजमेंट आने लगे, फिर न्यूज़ जो देश की न्यूज़ थी वो प्राइवेट हाथों में चली गई। अब न्यूज़ को बेचने का एक व्यापार शुरू हो गया। यानी पहले तो व्यापार था वो चित्रहार को बेचने का, गानों को बेचने का या फिल्म को बेचने का हुआ करता था, अब न्यूज बिकने लगी। न्यूज बिकने से क्या हुआ कि हमारी न्यूज को कितने लोग देख रहे हैं, ये झगड़ा स्टार्ट हो गया। जब ये झगड़ा स्टार्ट हो गया तो न्यूज रूम बदल गए, पैटर्न बदल गए उसके। पहले
पैटर्न बदलने से न्यूज को रोचक बनाने का सिस्टम बन गया कि देखें क्या उसके टाइटल इतने हॉट और गर्म और अजीब अजीब बने लगे ताकि उन पर अट्रैक्शन बना रहे, उसको देखें। न्यूज को सुनाने वाले समझदार कम और खूबसूरत ज्यादा आने लगे। तो इस तरह से न्यूज का पूरा का बिजनेस में चेंज न्यूज हो गई और अब समाचार सारे फैक्ट्री बन गए। यानी जितने भी समाचार हैं, जितने भी न्यूज हैं, जो देश की जान होते हैं, जो देश को चलाती है न्यूज, वो सारी न्यूज बिक गई और वो बिजनेस में बदल गई। जब बिजनेस में बदल गई तो उसके दुखद परिणाम आने शुरू हो गए। अब समाचार जो आता है वो जानकारी वाला नहीं आता। अब समाचार कोई ऐसा नहीं आता जो देश हित में आता हो या देश के विकास के बारे में आता हो। दुनिया में जितने भी अच्छे कंट्री हैं उनकी न्यूज में झगड़े बढ़ाने वाले या जो ऐसे न्यूज हैं जो बुरी न्यूज हैं जिन पे मानस पे या मन पे असर ज़्यादा पड़ता है बच्चों के, वो न्यूज नहीं आती। आती हैं तो बहुत शॉर्ट में आती हैं। उन टीवी चैनलों पे अधिकतर जो न्यूज आती हैं देश के बारे में, वो विकास के बारे में आती हैं। कितना विकास हुआ, कैसा हुआ, क्या करना है, या आज कौन कौन सी सड़कें बंद रहेंगी, कहाँ काम चलेगा, या कौन कौन से रेल ट्रैक की आज मरम्मत हो रही है, कौन कौन से रेल ट्रैक आज बंद रहेंगे, या आज कहाँ कहाँ का एरिया खुला रहेगा, कहाँ का बंद रहेगा, या आज कौन कौन से दफ्तरों में क्या क्या काम होना है या नहीं होना है, या आज हमारे यहाँ कितने बिजनेस बढ़े कितने घटे, या आज हमारे यहाँ कितना आदान प्रदान हुआ, पैसे का लेन देन कितना हुआ। ये विकास की न्यूज़ें आती हैं, राजनीति की न्यूज़ बहुत कम आती हैं। न्यूज बेचने के चक्कर में विकास की सारी न्यूज जीरो हो गई। यानी देश में क्या हो रहा है, देश के लोगों के साथ क्या हो रहा है, कितना विकास हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, कहाँ बच्चों के एडमिशन होने हैं, कहाँ यूनिवर्सिटी हैं, कितनी खुली कितनी बंद हुई, ये किताबें कहाँ हैं, इनका विमोचन कहाँ है, रेल कब आई, जहाज कब आया, ये सब बंद हो गया और न्यूजों में सिर्फ फायरिंग होने लगी। यानी कि राजनीतिक न्यूज रह गई और उनमें भी एक दूसरे पर आक्षेप और फायरिंग होने लगी। उस फायरिंग का रिजल्ट ये हुआ कि अगर आप न्यूज़ देखने बैठते हैं तो अगर आप 5 मिनट न्यूज ध्यान से देख लेते हैं और आपका ब्लड प्रेशर जब न्यूज़ देखते समय 110 है, तो 5 मिनट बाद अगर आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो वो 140, 150, 160 पहुंच जाएगा। ज़्यादा ध्यान से देख लेंगे तो 160 से ऊपर भी चला जाएगा, फिर सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। और वही हर चैनल पे चूंकि कंपटीशन चल रहा है इसलिए विकास की कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि जो विकास की बात करेगा उसका चैनल चलेगा नहीं। विकास की बात थोड़ी सी ऐसी होती है जिसको आदमी सुनने में थोड़ा सा परेशानी महसूस करता है, मगर चटपटी और मसालेदार जो न्यूज़ है वो अट्रैक्ट करती है, मगर साथ ही साथ सर सर दर्द भी करती है। तो हमने ये पाया कि जब भी हम टीवी खोलते हैं और टीवी चलाते हैं तो टीवी में फायरिंग होती है, टीवी में आग लगी पड़ी होती है, टीवी में बमबारी होती है, टीवी में लगाते ही 5 मिनट के अंदर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। चूँकि मैं विपसना करने वाला हूँ और 2003 से विपसना करता हूँ, तो मैंने बैठे बैठे ये महसूस किया कि जब भी ये टीवी खुलता है तभी हमारा सारा ध्यान इस पर जाता है, हमारे सारे काम रुक रुक जाते हैं और वो जो चटपटी मसालेदार जो न्यूज़ हैं हम उसमें ट्रैप और फंस जाते हैं और अंत में उस न्यूज़ से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें कुछ नहीं मिलता उसमें सिवाय सरदर्द के, सिवाय ब्लड प्रेशर के और सिवाय टाइम खराब के, और बच्चा भी नहीं पढ़ता। और अगर वो न्यूज़ झूठी हो और फेक हो तो फिर उस पर चर्चाएँ शुरू हो जाती हैं और मोहल्ले पड़ोस में या कहीं काम पर हम जाते हैं तो वहाँ जाके उस न्यूज़ पर चर्चाएँ होती हैं, वहाँ समय और ज़्यादा खराब होता है। जबकि विकास की न्यूज़ कहीं है नहीं, काम की न्यूज़ कहीं है नहीं, बच्चे का एडमिशन कहाँ होना है इसके बारे में न्यूज़ आनी चाहिए, आगे पढ़ाई में क्या करेगा इसके बारे में न्यूज़ आनी चाहिए, देश के लोगों का विकास कैसे होगा इसके बारे में न्यूज़ आनी चाहिए, सरकारी एजेंसियाँ कितना अच्छा काम कर रही हैं, कितनी पॉलिसीज आई कितनी नहीं इस पर काम होना चाहिए, अपराध कितना रुका कितना बढ़ा इस पर काम होना चाहिए। ये एनालिसिस वाली जो न्यूज़ हैं ये बड़ी मुश्किल होती हैं, एक एनालिसिस करने के लिए रिपोर्ट बनाने के लिए महीनों मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत कोई नहीं करता, फायरिंग चलती है, बस कहीं एक कैमरा लगा दिया, सारे कैमरे वहीं लगे, मेरी न्यूज़ पहले आ जाए, मेरी पहले आ जाए और मेरे पास ही आ जाए। एक कमाल कमाल की न्यूज़ आती है जिनका देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, उन न्यूज़ को आता है तो न्यूज़ बेसिकली प्रोफेशनल हो गई और बिजनेस हो गई और पूरा धंधा हो गया। इसलिए हमने टीवी मंदा कर दिया और बंद कर दिया, हमें धंधे में नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना? TRP हमसे चलती है। अगर 1000 आदमी टीवी खोल के देखते हैं तो उसकी TRP 1000 हो जाती है, तो वो 1000 के 2000 करने के लिए उसमें और मसाला डालेगा, मगर अगर हम उसको बंद कर देते हैं और उसको नहीं देखते हैं तो उसकी TRP मेरे बंद करने से 999 रह गई, और अगर 100 साथी और बंद कर देते हैं तो वो 900 रह गई। तो TRP डाउन होगी तो अपना कंटेंट ठीक करेगा, वो देखेगा कि ये लोग इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। TRP बढ़ती रहेगी तो वो कंटेंट उस हिसाब से डालता रहेगा, मसाला उसी हिसाब से डालता रहेगा।
तो ये आपके ऊपर है कि आप टीवी में क्या देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। हम तो सरदर्द नहीं देखना चाहते, इसलिए हमने तो 7 साल से टीवी हमारा रखा रखा खराब हो गया, बंद हो गया, मगर हमें खुशी है कि हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ, हमारा दिमाग बंद नहीं हुआ। तो टीवी चलेगा तो दिमाग बंद हो जाएगा और टीवी बंद हो जाएगा तो दिमाग चल जाएगा, बस इसलिए टीवी को हमने गुड बाय बोल दिया। धन्यवाद।